दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्नो अर्शद चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप सभी लोग तो यूज़ करते हैं विंडोज़ पर, विंडोज़ 10 अपने पीसी पर, अपने लैपटॉप्स पर, साथ ही साथ यूज़ करते हैं मैक, साथ ही साथ यूज़ करते हैं लिनक्स अपने पीसी और विंडोज़ पर, और अब तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स पर एंड्रॉयड, iOS और कभी ना कभी तो विंडोज़ का भी यूज़ किया होगा। पर आप सोचेंगे विंडोज़ अचानक से कैसे इतना फेलियर हो गया, अतः आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्शद, आप देख टेक्नो अर्शद, अतः आज के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो तब एक समय था जब विंडोज़ भी लेट कर रहा था अपने फ़ोन्स पर, और अभी के लिए तो सबसे ज़्यादा लेट कर रहा है अपने पीसीज पर, लैपटॉप्स पर, पर कभी कभी एक समय था जब विंडोज़ भी लेट कर रहा था अपने फ़ोन्स पर। तो तब जब पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे उस पर उस वक्त होता था विंडोज़ 10 नहीं माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आया था ब्लैकबेरी, उसके बाद आया था और भी छोटे मोटे जो बचे बचे है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ बोले तो सबसे ज़्यादा भी उस समय लेट कर रहा था सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उन सब का, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर था विंडोज़ का अपने फ़ोन्स पर, लैपटॉप्स पर, दोनों पर शेयर उन सब का, लैपटॉप्स पर सबसे ज़्यादा उन सब का मार्केट शेयर है, अभी भी है, और जो फ़ोन्स होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर होता था विंडोज़ के पास। पर अचानक से विंडोज़ इतना गिर कैसे गया? जब आईफोन 2007 पर आया था बहुत लोग को लगता था कि लोगों को एप्पल और बहुत लोग को पसंद था iOS, तो उन सब ने क्या किया कि बहुत लोगों ने उन सब को बदल कर, विंडोज़ को बदल कर iOS को बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने और iOS को परचेज़ करना शुरू कर दिया। और जब बाकी ब्रांड्स जो होते थे तो उन सबको क्या करना पड़ता था, उन सबको विंडोज़ को पैसा देना पड़ता था। और विंडोज़ ने क्या किया, विंडोज़ का उन सबका फोकस था सिर्फ एक ही चीज़ पर जो था अपने लैपटॉप या पीसी पर। तो लैपटॉप या पीसी पर उन सबको बहुत ज़्यादा उन सबका नज़र था, सब उन सबको यही नज़र आता था सिर्फ लैपटॉप या पीसी पर हम सबसे ज़्यादा ऊपर रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हमारा होना चाहिए लैपटॉप या पीसी पर। तो इसीलिए विंडोज़ ने क्या किया कि हमारे जो विंडोज़ के जो फ़ोन होते थे उन सब से थोड़ा सा नज़र हटा दिया था। नज़र हटाने के बाद ही क्या हुआ कि जब iOS आने के बाद अचानक से आ गया 2009 पर एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड के आने के बाद बहुत लोगों को बहुत पसंद आया एंड्रॉयड, जो जो ब्रांड्स होते थे तो उन सबको विंडोज़ को पैसा देना पड़ता था, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो विंडोज़ को पैसा देना पड़ता था अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने के लिए अपने फ़ोन्स पर ब्रांड्स को। तो क्या हुआ था जब एंड्रॉयड जब आया था गूगल की तरफ से, तो एंड्रॉयड को आने के बाद जो होते ब्रांड्स तो उन सब ने क्या किया कि उन सबको एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था, विंडोज़ को तो पैसा देना पड़ता है और एंड्रॉयड जो होता है उस पर हमें पैसा नहीं देता, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, तो हमें विंडोज़ के क्या काम है। तो इसीलिए सभी जो ब्रांड्स होते हैं उन सब ने क्या किया कि सबसे ज़्यादा उन्होंने एंड्रॉयड का अपने फ़ोन को यूज़ किया, iOS भी यूज़ कर रहे थे लोग। तो उसी वक्त क्या हुआ कि विंडोज़ को जब विंडोज़ ने मुड़कर देखा तो सब देख रहे थे कि अचानक से हमारे जो मार्केट शेयर है अचानक से बहुत ज़्यादा नीचे आने लगा और पूरा एकदम से बंद ही होने लगा था अपना उसका मार्केट शेयर। तो इसीलिए क्या किया कि विंडोज़ ने फिर से क्या किया 2011 या 2000 कितने वक्त में पता नहीं, पर उन्होंने सब अब फिर से आए। तो आने के बाद और एक प्रॉब्लम था, आने के बाद कुछ अच्छा सा आए थे फिर से रिटर्न हुए, पर और एक प्रॉब्लम था जो था ऐप्स डेवलपर्स के लिए। तो ऐप डेवलपर्स ने क्या किया कि ऐप डेवलपर्स क्या करते थे, अपने ऐप्स को डेवलप ही नहीं करना चाहते विंडोज़ पर। क्यों करना चाहते मैं आप सबको बता दूँ, एंड्रॉयड जो है सभी ब्रांड्स मतलब एंड्रॉयड के यूज़ कर रहे थे अपने फ़ोन्स पर। तो उससे क्या अगर डेवलपर्स को ये लगा कि हमें तो मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा अभी एंड्रॉयड पर मिल रहा है, तो हम विंडोज़ को बजाय हम एंड्रॉयड पर जाते हैं जिससे मार्केट शेयर भी हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा हमें विंडोज़ से। तो इसीलिए डेवलपर्स ने भी यही किया कि अभी के लिए जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो वो सब आपको उसी टाइम नहीं मिलता था विंडोज़ पर जब विंडोज़ फिर से रिटर्न हुआ। तो डेवलपर्स अपने ऐप्स को डेवलप ही नहीं करना चाहते थे और जो पूरी तरह से विंडोज़ फिर से एकदम से ख़राब हो चुका है और फिर से नीचे चला गया। और तभी सिर्फ एंड्रॉयड सिर्फ उड़ता जा रहा iOS भी उस समय था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी चल रहा था और विंडोज़ को बहुत ज़्यादा मतलब फ्री भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी चल रहा है, सभी ब्रांड्स यूज़ भी कर रहे हैं, डेवलपर्स भी उधर जाएंगे, उधर ज़्यादा मार्केट शेयर है, जहाँ आपको ज़्यादा मार्केट शेयर मिलेगा उधर ही जाएंगे ऐप डेवलपर्स। तो फिर से क्या हुआ कि विंडोज़ ने फिर से बैक किया, इस बार क्या किया उस अपने नोकिया को ख़रीदा, नोकिया को एकदम से फ्री में मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज़ का एकदम से फ्री में मिल गया, नोकिया को ख़रीद लिया और विंडोज़ को नोकिया को मिल रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नोकिया को मिल रहा था, तो बाकी जो ब्रांड्स है उन सबको तो नहीं मिल रहा था, सिर्फ नोकिया को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था और बाकी जो ब्रांड्स है उन सबको तो फ्री नहीं मिल रहा है। एंड्रॉयड मतलब फ्री दे रहा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फ़ोन्स के लिए और बाकी जो थे उन सबको नहीं मिल रहा अपने फ्री। तो नोकिया भी अचानक से नीचे गया और नोकिया की
नोकिया भी बैंड हो गया और नोकिया भी पूरी तरह से एकदम से फेल हो गया। तो इस सब होने के बाद तो 2017 पर आया, पूरी तरह से एकदम को विंडोज को बंदी कर दिया गया, बंदी कर दिया अपने फ़ोन्स को लिए, विंडोज को एकदम से पूरी तरह से एकदम से बंदी कर दिया गया। और उसके बाद को विंडोज को एकदम से आया भी नहीं 2017 के पहले। पर जो लैपटॉप से पीसी होते हैं अभी भी विंडोज सबसे ज़्यादा सबसे एक नंबर पर है। और उसके बाद आता है मैक, उसके बाद आता है लिनक्स, पर मोबाइल्स पर अभी सबसे ज़्यादा है एंड्रॉयड, उसके बाद आता है iOS। तो यही है पूरी तरह से एकदम से विंडोज का हिस्ट्री क्या हुआ था और किस लिए अचानक से एकदम से नीचे आ गया। तो मुझे आशा है आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आपका सवाल है सुझाव आप टीटी नाम के नंबर भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया लाइक भी शेयर भीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे वीडियो दोस्तों आप सबके लाता रहता हो। तो फिलहाल के आप सभी को थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।